एक वक्त का किस्सा है, हरिपुर गांव में मीठे नाम के सेठ ने गाय का कारोबार शुरू किया हुआ था। वो मंडी से कमजोर गाय ढूंढ कर लाता और उसका मुलाजिम उनकी देखभाल करता, और जब गाय सेहतमंद हो जाती तो वो उन्हें अच्छे दामों में बेच देता। अरे वाह यार, क्या मस्त कारोबार है। जब तक इस गांव में कमजोर गाय रहेगी, मेरा कारोबार तरक्की करता रहेगा। फिर अगला दिन होता है तो नसीबो कैंची कहती है, अरे मीठे मेरी जान के टोटे, अब तो तेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है, मुझे शॉपिंग ही करवा दे। बेगम, आज शाम में तुझे शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, पर अभी मैं जाता हूँ कमजोर गाय ढूंढने, ताकि उसे सेहतमंद करके बेच सकूं। फिर मीठा घर से निकलता है और एक व्यापारी के पास आता है। भाई साहब, ये सफेद गाय कितने की दे रहे हो? भाई ये सफेद गाय मैं आपको 30,000 रुपए में दे दूंगा। ओ हेलो, तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी कमजोर गाय की तू 30,000 मांग रहा है? जिस तरह की इसकी हालत है, ये तो मुश्किल से 3-4 ही दिन निकाल पाएगी। फिर मीठे की ये बात सुनकर व्यापारी सोचने लगता है, क्या तो ये ठीक रहा है, वैसे भी इस गाय को चारा भी खिलाना पड़ेगा, ये खर्चा भी मुफ्त का पड़ेगा। भाई क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। अच्छा भाई, आप इस गाय के कितने पैसे दोगे? अब दिल तो नहीं कर रहा इस गाय को खरीदने का। चल तू भी क्या याद करेगा, तुझे मैं इसके 10,000 दे दूंगा। चलो ठीक है भाई, 10,000 ही दे दो। फिर वो पैसे देकर गाय ले जाता है और अपने फॉर्म पर आता है। मुंशी, इस गाय को ठूस ठूस के खिला, ये मुझे एक हफ्ते में सेहतमंद चाहिए। ठीक है मीठे साहब, मैं इसे मार मार के पिलाऊंगा और ठूस ठूस के खिलाऊंगा। इतना भी ना मार मार के खिलाए कि कहीं ये इस दुनिया से कुस्तुन दुनिया में ना चली जाए। फिर मुंशी उसकी देखभाल करता है और डॉक्टर उसका चेकअप करता है। मुंशी, ये गाय बिल्कुल ठीक है, मीठे सेठ को बोल देना मेरी फीस मेरे घर पहुंचा दे। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और मीठा फॉर्म पर आ जाता है। वाह मुंशी, ये गाय तो अब सेहतमंद हो गई है, इस गाय को बेच देंगे। वैसे मीठे साहब, मैंने इसकी बहुत खिदमत की है, जब गाय बिक जाए तो इसमें से थोड़ा कमीशन मुझे भी दे देना। मुंशी, गाय अभी बिकी नहीं और तूने अपनी राल टपकाना शुरू कर दी। पर मीठे साहब मेरी बात तो सुन। चुप, एकदम चुप, कल देखेंगे। फिर अगला दिन होता है, मुंशी और मीठा गाय बाजार ले आते हैं तो एक ग्राहक आता है। भाई मुझे एक सस्ती गाय चाहिए, जो चारा कब खाती हो और दूध भर भर के देती हो। जी भाई साहब, इस गाय की खूबी ही यही है, ये चारा कम खाती है और दूध इतना देती है कि तुम बाल्टी भर भर के थक जाओगे। मीठे साहब, इतना झूठ तो मत बोलो। मुंशी तू अपना मुंह बंद कर। भाई इस गाय का रेट तो बताओ। भाई वैसे तो ये नायाब गाय 50,000 की है, पर आप भी क्या याद करोगे, मैं आपको 35,000 की दे दूंगा। भाई मुनासिब रेट लगा लो, मैं आपको इसके 30,000 दे दूंगा। मीठे साहब बेच दो, इसे बेच दो। ठीक है भाई, लाओ 30,000 रुपए दो और ये नायाब गाय ले जाओ। फिर वो ग्राहक गाय ले जाता है। मुंशी आज तो अच्छा मुनाफा हो गया, एक काम करते हैं, चलकर और सस्ती गाय ढूंढ कर आते हैं। फिर मीठा और मुंशी एक जगह आते हैं, वहाँ 3 गाय खड़ी होती हैं। भाई ये लाल रंग की गाय कितने की दे रहे हो? जनाब आप लाल रंग की गाय को छोड़ो, ये सफेद गाय ले लो। लाल रंग की गाय काफी कमजोर भी है और बहुत सुस्त भी है। भाई साहब मेरे मालिक को लाल रंग वाली गाय का ही रेट बताओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, ये गाय मैं आपको 20,000 की दे दूंगा। ज्यादा रेट है ये तो, ना तुम्हारी ना मेरी, इसके मैं तुम्हें 15,000 रुपए दे दूंगा। मालिक ये तो आपने बहुत अच्छा रेट लगा दिया है। ठीक है ले जाओ लाल गाय 15,000 में। फिर मीठा और मुंशी वो लाल गाय वहाँ से ले जाते हैं और फॉर्म पर आ जाते हैं। मुंशी अब तेरा इम्तिहान शुरू हो गया है, अगर तूने इसे एक हफ्ते में सेहतमंद कर दिया तो मैं तुझे 5,000 रुपए इनाम दूंगा। मीठे साहब
खराब इसे सेहतमंद करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, हफ्ते बाद आऊँगा। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है और मुंशी गाय की देखभाल शुरू कर देता है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और मीठा फार्म पर आता है। लाल गाय सेहतमंद खड़ी होती है। मुंशी, ये तो तूने कमाल कर दिया, अब ये लाल गाय बिकने के लिए तैयार है। उसी गांव में बिट्टू नाम का गरीब किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। बिट्टू जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, आप अपनी जमीन पर जल्दी से हल चलाकर जमीन फसल के लिए तैयार कर लो। बेगम, मैं अकेला पूरी जमीन पर हल नहीं चला सकता। हाँ, अगर गाय खरीद लूँ तो उसकी मदद से पूरी जमीन पर हल चला सकता हूँ। पर बिट्टू, गाय खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? बेगम, मेरे पास 25,000 रुपए हैं। मैं जाता हूँ, शायद इन पैसों में कोई गाय मिल जाए। फिर बिट्टू घर से निकलता है और गाय खरीदने आता है। भाई, ये लाल गाय कितने की दे रहे हो? 50,000 रेट है इस लाल गाय का। मीठे साहब, ये रेट ज्यादा मांग रहे हो। भाई, मैं गरीब किसान हूँ, मैंने अपनी जमीन पर हल चलाने के लिए गाय लेनी है, मेरे पास तो 25,000 रुपए है। मीठे साहब, बेच दो, ये गाय बहुत सुस्त है, कोई इस लाल गाय को नहीं खरीदेगा। चल ठीक है भाई, दे 25,000। फिर बिट्टू खुशी खुशी वो गाय घर ले आता है। बिट्टू, ये लाल गाय तो बहुत सेहतमंद है, कितने की मिली है? बेगम, हमारे तो मजे लग गए, ये लाल गाय सिर्फ और सिर्फ 25,000 की मिल गई है। अब कल से मैं इस गाय को हल चलवाने के लिए जमीन पर लेकर जाऊंगा। फिर अगला दिन होता है, बिट्टू वो गाय खेत पर ले आता है और जब हल चलवाने लगता है तो गाय चलती ही नहीं। ये क्या, ये गाय तो हल के लिए चल ही नहीं रही। बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय लेकर मीठे के पास आ जाता है। भाई, ये आपने कैसी गाय दे दी है, ये तो बहुत सुस्त है, मैंने खेत में हल चलाने के लिए खरीदी थी पर ये तो खेत में जाकर अपनी जगह से हिलती ही नहीं है। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, इतने पैसों में तो तुझे यही गाय मिलेगी, चुप करके निकल यहाँ से, शाबाश। वो बहस कर रहे होते हैं तो वहाँ ठाकुर आ जाता है। क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैंने ये लाल गाय 25,000 की ली थी अपने खेत में हल चलाने के लिए, पर ये इतनी सुस्त है कि जब मैं खेत में लेकर जाता हूँ तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। क्यों मीठे, तूने इसे ये बात बता कर गाय बेची थी? ठाकुर साहब, मुझे थोड़ी ना पता था ये लाल गाय खेत में भागेगी या नहीं भागेगी। ठाकुर साहब, मैं गरीब किसान हूँ, मैंने अपनी जमा पूंजी लगा कर ये गाय खरीदी है, आप इससे मेरे पैसे वापस दिलवाओ। मीठे, काम कर, तू इसे पैसे दे दे, कोई और ग्राहक को सच बता कर ये गाय बेच दे। मीठे साहब, ये गाय तो कोई नहीं खरीदेगा, आप इसे कुछ पैसे देकर इस सुस्त गाय से जान छुड़वा लो। ठाकुर साहब, एक काम करता हूँ, मैं इसे 10,000 रुपए दे देता हूँ, इसे ये गाय 15,000 रुपए की पड़ेगी, और इसे क्या चाहिए? बिट्टू, बात तो मीठा ठीक कर रहा है, 10,000 ले लो, कोशिश करो शायद ये हल चलाने के लिए चल पड़े। ठीक है ठाकुर साहब, आप कहते हो तो मुझे मंजूर है। फिर बिट्टू 10,000 और वो लाल गाय लेकर मायूस घर आता है और अपनी बीवी को सारी बातें बताता है तो अचानक वो लाल गाय भागती हुई एक जगह जाती है तो बिट्टू और उसकी बीवी वहाँ आते हैं तो गाय केले खा रही होती है। बेगम, मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, अब देखो मेरा कमाल। फिर बिट्टू गाय के आगे केले बांध देता है, गाय केले खाने के चक्कर में भागती है। इस तरह बिट्टू पूरे खेत में उससे हल चलवा लेता है। तभी एक अरबी गांव देखने आता है तो उसकी नजर उस लाल गाय पर पड़ती है। फिर अरबी वहाँ आता है। भाई क्या बोल रहे हो आप, उर्दू नहीं आती क्या आपको? आता है थोड़ा थोड़ा, पर हमारे उर्दू थोड़ी सी लेखोच आते है। हम तुमसे ये गाय खरीद रहा है। ठीक है, खरीद लो, हमने इस लाल गाय से जो काम लेना था ले लिया, आप मुझे कितने पैसे दोगे इस गाय के? हम तुमसे 10 करोड़ में ये गाय खरीदना मानसो। ये सुनकर बिट्टू और उसकी बीवी हैरान रह जाते हैं। ठीक है अरबी साहब, हमें सौदा मंजूर है। फिर अरबी उनसे वो लाल
गाय खरीद लेता है और गाय लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में मीठा और मुंशी मिल जाते हैं। अरे भाई, आपके पास ये लाल गाय कहाँ से आई? अब तो ये गाय 10 करोड़ का खरीदा है। ये कहकर वो अरबी वहाँ से चला जाता है। ओ मनहूस इंसान, तू तो बोल रहा था ये गाय कोई नहीं खरीदेगा। मीठे साहब, मुझे क्या पता था अरबी इस लाल रंग की गाय की तलाश में है। तलाश के बच्चे, तूने तो मुझे मरवा दिया, अब तेरी खैर नहीं। फिर मीठा डंडा उठाकर उसे मारने उसके पीछे भागता है।